हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिन्नर.com। गीताकिन्नर.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे खोए की बर्फी, वो भी सिर्फ दूध से। इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, इसे सिर्फ दूध से बनाएंगे। ये खाने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है, 100% प्योर है। इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, इसे हम सिर्फ दूध से बनाने वाले हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। खोए की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में फुल क्रीम दूध लेंगे। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। हम इसे हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। हमारे दूध में उबाल आ गया है, ये देखिए। अब हम गैस को मीडियम पे कर देंगे। और इसे लगातार चलाते रहेंगे बिल्कुल गाढ़ा होने तक, जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। और साइड्स को स्क्रैच करते रहेंगे, जो मलाई है वो बीच में मिलाते रहेंगे दूध में। और इसी तरीके से हमें लगातार इसे चलाना है। ये देखिए, हमारा दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए, बिल्कुल एक डो की तरह ना हो जाए। तो हम इसे इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे और साइड से मलाई को स्क्रैच करते हुए दूध में मिलाते रहेंगे। हमारा दूध आधा रह गया है, ये पहले से काफी गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप। हमें इसे अभी भी लगातार चलाना है जब तक ये बिल्कुल डो की तरह ना हो जाए। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस को मैंने मीडियम पे ही रखा है। ये देखिए, हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है, ये रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया है। अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है और अब हमें इसे तेजी से चलाना है, बीच में रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से कढ़ाई में लग सकता है। तो हम इसे लगातार तेजी से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, हमारा दूध रबड़ी से भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1/3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम इसे मिला देंगे और अब आप देखेंगे कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया है। तो हम गैस को थोड़े हाई फ्लेम पे कर देंगे और तेजी से चलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे बिल्कुल सॉलिड होने तक, जब तक ये डो की तरह ना हो जाए। हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, आप ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। हमें इसे अभी और गाढ़ा करना है जब तक कि ये डो की तरह ना हो जाए और कढ़ाई को छोड़ना ना स्टार्ट कर दे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है, ये बिल्कुल डो की तरह इकट्ठा होना शुरू हो गया और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। अब इस मिक्सचर को हम किसी ग्रीस की हुई थाली में निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग टिन लिया है, जिसे मैंने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दिया है। इसमें मैं इस मिक्सचर को निकालूंगी, आप चाहे तो थाली में जमा सकते हैं। ये देखिए, मैंने मिक्सचर को बेकिंग टिन में निकाल लिया है। हम इसे किसी प्लेन चीज से फ्लैट कर लेंगे। इसे अच्छे से बिल्कुल बराबर फ्लैट करना है, बर्फी की तरह। अब हम इसे बादाम से गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं, हम इसके ऊपर डाल देंगे इसे। आप चाहे तो अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। हम इसे दबा देंगे ताकि ये बर्फी में अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये सेट ना हो जाए। ये देखिए, हमारी बर्फी सेट हो चुकी है। मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है। मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनी है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी है। और ये बिल्कुल हमने खोए से बनाई है, बिल्कुल 100% प्योर है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मिलावट हो, ये बिल्कुल हमने अपने हाथ से बनाई है, बिल्कुल प्योर बर्फी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।